कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज सोचा थोड़ा सा बाहर शूटिंग कर लूं क्योंकि वहां पे थोड़ी सी धूप हो रही थी एंड दोपहर का टाइम है, करीब करीब 2:30 बज रहे हैं एंड धूप बहुत ज्यादा है यहाँ पे, नियर अबाउट समझ लीजिए 38 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है एंड काफी धूप है। चलिए वो हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा है Redmi Note 10 Pro 5G। प्रॉब्लम क्या है कि चाइना में, एक्चुअली इंडिया में जो वेरिएंट्स अभी लॉन्च होते हैं Redmi के, वो सारे 4G वाले होते हैं एंड चाइना में जाके 5G हो जाते हैं, जैसे Redmi Note 9 सीरीज के साथ हुआ था। अब Redmi Note 10 सीरीज जो इंडिया में आई हुई है वो आपको मालूम है कि 4G सीरीज है सारी की सारी एंड उसके 5G वर्जन का वेट करें। Redmi Note 10 4G जो यूरोप में लॉन्च हुआ था वो तो इंडिया में Poco M3 Pro बन के आएगा, लेकिन Redmi Note 10 Pro जो है उसका 5G वेरिएंट जो कि अभी कहीं नहीं लॉन्च हुआ एक्चुअली, क्या वो इंडिया आने वाला है? अच्छा, जल्दी ही ये चाइना में लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पे अभी टेना पे लिस्ट हुआ था एक फ़ोन Redmi Note 10 5G जो कि ग्लोबल जो गया था वही वाला था, खाली एक डिफरेंस क्या था कि ग्लोबली वो 18 वैट के चार्जर के साथ जाता था, वहाँ पे 22.5 वैट के चार्जर वाला है। लेकिन कहा जा रहा है कि मई एंड होने से पहले चाइना में Redmi Note 10 सीरीज जिसमें तीन स्मार्टफोन होने वाले हैं 5G होंगे तीनों के तीनों, एक Redmi Note 10 5G, दूसरा Redmi Note 10 Pro 5G, तीसरा Redmi Note 10 Pro Plus 5G, ये तीनों स्मार्टफोन आने वाले हैं एंड चाइना में लॉन्च होने वाले। कहा जा रहा है इसमें से Redmi Note 10 Pro 5G जो होगा वो बाद में इंडिया भी आएगा क्योंकि आपको मालूम है कि BIS पे लिस्ट हो चुका है वो पहले ही। उसी की बात करनी है, ज्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ खास अलग नहीं होगा, एक मेजर चेंज यही होगा स्पेसिफिकेशन में, चिपसेट वाला। क्या चिपसेट होगा? कहा जा रहा है कि Redmi Note 10 5G जो है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वही वाला होने वाला है जो यूरोप में आएगा। Redmi Note 10 Pro 5G और Pro Plus 5G जो होंगे ये दोनों थोड़े से अलग चिपसेट्स के साथ आने वाले हैं। कौन से? Redmi Note 10 Pro 5G जो है वो Dimensity 900 के ऊपर आएगा जो कि अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है, आपको मालूम है Dimensity की तरफ से, अच्छा चिपसेट है एंड जो 1000 था उससे थोड़ा सा नीचे होगा लेकिन परफॉर्मेंस आपको तगड़ी मिलेगी ये समझ लीजिए 5G कैपेबिलिटीज के साथ। देन दूसरा Redmi Note 10 Pro Plus 5G जो है वो कहा जा रहा है Dimensity 1100 या 1100 कह लो उसके ऊपर आने वाला है, ये दोनों चिपसेट के ऊपर दोनों स्मार्टफोन आएंगे तो परफॉर्मेंस आपको दोनों में 5G कैपेबिलिटीज के साथ तगड़े परफॉर्मेंस मिलने वाले हैं, यानी उसमें कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी के स्पेसिफिकेशन जो Redmi Note 10 Pro और Pro Max इंडिया में लॉन्च हुए ना वही वाले स्पेसिफिकेशन आपको फुल टू फुल मिलने वाले, बाकी और कुछ डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। सेम वही आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, 6.67 इंच का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे दोनों में मिलेगा, वहां पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, पंच होल रहेगा, जितने भी फीचर्स उसमें मिलते हैं सारे आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद चिपसेट तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि Dimensity 900 और Dimensity 1100 आएंगे तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, गेमिंग ग्राफिक्स सारे परफॉर्मेंस अच्छे खासे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ये आपको MIUI 12.5 के ऊपर आएगा जो कि Android 11 के ऊपर बेस्ड होगा तो ये भी एक अच्छी चीज है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद बात करोगे तो कैमरास की बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रो वाला जो होगा उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जबकि प्रो प्लस में जाओगे तो उसमें आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलेगा, यही दोनों में डिफरेंसेस होंगे। देन इसके बाद बैटरी दोनों में 5000 mAh की होगी, चार्जर भी आपको 33 वैट वाला ही मिलेगा, आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाए, ये देखने वाली बात होगी कि मिलते कि नहीं, वो एक पॉइंट होगा देखने लायक उसमें लेकर आते हैं कि नहीं। एंड बाकी सारी चीजें आपको सेंसर जो रहेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक रहेगा, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर है उसको, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो सारे रहेंगे, आपको आईआर ब्लास्टर से लेके स्टीरियो स्पीकर्स तक, वाइड वाइन L1 के सपोर्ट से लेके IP53 की रेटिंग तक सारी चीजें मिल जाएंगी। सेंसर एंड अदर्स के डिपार्टमेंट ज्यादा कुछ इशू नहीं आएगा, इवन वाइड वाइन L1 भी मिल जाएगा। चलिए ये तो हो गया, अच्छा डेडिकेटेड स्लॉट आ सकता है। एंड अब प्राइसिंग की बात करते हैं, प्राइसिंग अब चाइना में कितने में आएगा पता नहीं लेकिन अगर इंडिया एक्सपेक्ट कर रहे हो ये दोनों स्मार्टफोन के आने के, Redmi Note 10 5G जो है तो ऑलरेडी Poco M3 Pro के नाम से आने वाला है तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं Redmi Note 10 Pro एंड Pro Plus के बारे में। पॉसिबली जो 900 के ऊपर आएगा Dimensity 900 के ऊपर उसकी प्राइस 20 से 25 हज़ार के बीच, एक्चुअली दोनों की प्राइसिंग कह लूँ तो इंडिया में मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, Pro Plus वाला जो है मेरे ख्याल से 27-28 थाउजेंड तक जा सकता है, 27-28 हज़ार अगर वो आता है तो, लेकिन उसके आने के चांसेस मुझे इंडिया में कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 20 से 25 हज़ार के बीच में Redmi Note 10 Pro 5G जो है क्योंकि वही लिस्ट हुआ था BIS के ऊपर एंड वो दोनों तो हुए नहीं है तो ये वाला स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को पॉसिबली जून एंड तक मिल सकता है। एंड अगर Pro Plus भी लेकर आ गए तो और अच्छी चीज़ है, या किसी और नाम से लेकर आते तो और भी अच्छी चीज़ है, लेकिन यह स्मार्टफोन कन्फर्म है कि इंडिया आना है
जब भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बीआईएस पे लिस्ट हो चुका है, प्राइसिंग इसकी मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार के बीच में होगी। सामने से इतना तेज धूप आ रहा है कि आंखें नहीं खुल रही हैं। चलिए, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना। वेट कर रहे हो कौन से वाले का आप वेट कर रहे हो तीनों में से, पोको M3 Pro जो कि Redmi Note 10 5G होगा, या Redmi Note 10 Pro 5G, या Pro Plus 5G, जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगे स्मार्टफोन ये भी बता देना। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोज उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट रेंज खास नहीं करना, साइड में देखो बैक इमेजेस के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय।